नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। दोस्तों, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जब भी छुट्टी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और सबके माइंड में ये बात आती होगी और आपके मन में अब भी आ रही होगी और मेरे प्रश्न पूछने से पहले भी आई होगी कि जब छुट्टियाँ पड़ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, मेरा ये मानना है हर स्टूडेंट को अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहिए। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, उसको, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस की बात करें, उसमें कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, मान लिया इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है। उसी प्रकार हम मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, मान लिया प्रोपोर्शन है, लॉस एंड प्रॉफिट है, या जो भी है, तो हम उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें। उस चैप्टर को हम सर्च करें, हम यूट्यूब के द्वारा, अपने टीचर से, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, या कहीं से भी सर्च करके हम उसको रिवाइज करें और उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को, उस डिफिकल्ट चैप्टर को हम रिवाइज करके आसान बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये काम छुट्टियों में जरूर करना चाहिए। दूसरा, जितना भी टीचर ने काम करवाया है, जितने भी चैप्टर, जितना भी सिलेबस हो चुका है अब तक, और जो सिलेबस एग्जाम में आएगा, उस सिलेबस को रिवाइज करें सारे को। हाँ जी, वो सिलेबस रिवाइज करने पर आपका अपना हो जाएगा और आप एनुअल एग्जाम तक उस सिलेबस को भूल नहीं पाओगे। तो छुट्टियों के दौरान यो काम आप कर सकते हो। दूसरी बात, जो चैप्टर सर आगे छुट्टियों के बाद पढ़ाएंगे, जो भी सिलेबस बाकी पड़ा है, जो हमें एग्जाम की डेट से पहले करना है और अभी तक नहीं हुआ है, उसको एक बार जरूर खुद भी पढ़िए सेल्फ स्टडी से। जब बच्चा खुद पहले पढ़ लेगा उसको इंटरेस्ट के साथ, तो कुछ 25% 40% तक उसको वो समझ में आएगा पक्का। और जब टीचर छुट्टियों के बाद उस सिलेबस को करवाएंगे तो वो बच्चा जल्दी से उसको कैच करेगा, जल्दी से उसको अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि अगर बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो जितना टीचर ने पढ़ाया है वो सारा मिट जाएगा, आपकी मेमोरी से फिनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। टीचर के द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर को एक बार दो बार रिवाइज करना जरूरी होता है, ताकि वो हमारी मेमोरी में बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक, और अगर मैं कहूँ तो पेपर तक, एग्जाम तक जरूर रहे। दूसरी बात ये है, राइटिंग, जिन बच्चों की राइटिंग स्लो है, वे बच्चे रफ रजिस्टर लेकर के बार बार लिख लिख कर देख सकते हैं। हिंदी की राइटिंग स्लो है, इंग्लिश की राइटिंग स्लो है, या राइटिंग गंदी है, वो जो है एक रफ रजिस्टर लेकर के उसमें लिख लिख कर देखे स्पीड से, तो उनकी राइटिंग तेज भी होगी और साफ भी होगी। तीसरी बात, वो क्या कर सकते हैं बच्चे, तीसरी बात वो क्या कर सकते हैं कि जो उनके साथी है या पीयर ग्रुप है, उनमें वो उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप किसी टॉपिक को, पढ़ाई के टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे ना, उतना ही वो टॉपिक आपको क्लियर होगा और आपको याद होगा। क्योंकि डिस्कशन भी एक टीचिंग का मेथड है, एक ये भी एक पद्धति है जिसके द्वारा हम टीचिंग करवा सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चौथी बात अगर मैं बताऊं बच्चों को, तो उन बच्चों को जो है ना, जब भी उनको ये लगे कि खाली समय है, तो उस टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग पर फोकस करना चाहिए। देखो ये मत समझना कि इंग्लिश विद मुकेश सर मैंने चैनल बनाया है और मैं अपने चैनल को यहाँ पर जो है उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, नहीं। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप अपना फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलेगा बच्चों। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर इंग्लिश सिखाई जाती है, और एक चैनल है इंग्लिश विद मुकेश सर, उसको सब्सक्राइब करिए, उसकी सारी वीडियो देखिए, और भी बहुत सारे हैं। और आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग बनाइए और अपने साथियों के साथ बात करिए इंग्लिश में, चाहे आप गलत ही क्यों ना बोल रहे हों, चाहे अपने भाई बहनों के साथ बात करिए आप। इस तरह से आप ना इंग्लिश पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, और ये इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, आप एक अच्छे और बढ़िया बच्चे बनकर दिखाएंगे। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, अब इसकी आप इम्पोर्टेंस समझ लो। आगे दूसरे देश में भी जाना पड़ सकता है,
आपको फॉरेन कंट्री में भी जाना पड़ सकता है और वहाँ पर इंग्लिश के बगैर आप पानी भी नहीं पी सकते। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इवन साउथ इंडिया में भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है अगर वहाँ भी जाओगे तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आपका सिलेबस रिवाइज हो गया, जब आपके पास सारे जो आपकी मुसीबतें थी, जो प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो गई है सब्जेक्ट की, सिलेबस की, टॉपिक की, तो आप जो है पेरेंट्स से बोल करके आप घूमने जा सकते हो। एक दो दिन का, तीन दिन का टूर जरूर बना लीजिए आप और आप घूमने जाइए, क्योंकि आप फ्रेश माइंड होगा आपका इससे। और आप जो है ना, जब आपका फ्रेश माइंड हो तो आप लिखिए वहाँ पर, जिस भी टूर पर आप जाओ एक डायरी जरूर लिखो, आप लिखिए 5-7 पेज कि आपने क्या देखा, और मेरा मानना आप इंग्लिश में लिखिए, आप बिल्कुल नोट करते जाइए कि आज आपने क्या देखा, क्या पसंद आया, क्या खाया, क्या पिया, क्या अच्छा लगा। थोड़ा सा आप ऐसा करिए, बहुत अच्छा रहेगा, आज आपका वो एजुकेशनल टूर हो जाएगा, आपका वैसे टूर की बजाय नॉर्मल वो एक एजुकेशनल टूर भी हो जाएगा, और नई नई चीज़ें देखोगे तो नई चीज़ें सीखोगे भी, क्योंकि इंसान है ना देखने से भी सीखता है और समझदारी से भी सीखता है। और इसके अलावा पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी जो है बच्चों को थोड़ा घुमाएं और इन छोटे बच्चों से बात करें, उनको ना आप सामाजिक बच्चा बनाइए। माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को रिश्तेदारियों में लेकर जाइए, रिश्तेदारी जो आपके रिलेशंस है ना, रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ लेकर जाइए। आप जो विवाह हैं, शादियाँ हैं, या कोई फंक्शन है, पार्टी, वहाँ भी लेकर जाइए, लोगों से मिलवाइए, उनसे बोलिए कि आपके ये चाचा जी हैं, या आपके ताऊ जी हैं, या आपके दादा जी हैं, या आपके मौसा हैं, या आपके फूफा हैं, ये वो हैं, तो थोड़ा सा बताइए। और जो बड़े आदमी, अगर आपको कोई अधिकारी मिलता है या कोई आपको जो कोई बड़ा बिजनेसमैन मिलता है, उससे अपने बेटे को मिलवाइए और उसको मोटिवेट करिए कि देखो ये जो हैं एसपी साहब हैं, ये डीसी साहब हैं, ये एसडीएम साहब हैं, ये तहसीलदार लगे हुए हैं, ये वो हैं, तो आप उनसे बात करवाइए, उनको मोटिवेट कीजिए कि ये बहुत गरीब परिवार से थे, इतनी गरीबी से उठे हैं ये, और देखो अब कितने बड़े अफसर बन गए हैं, अब इनके पास है ना नाम की, शोहरत की, दौलत की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा आप बच्चे को मोटिवेट, वो भी मोटिवेट हो, थोड़ा सा उसके अंदर भी एनर्जी आए, वो सोचे कि हाँ मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा और मैंने भी बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी ऑफिसर बनना है, या मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या मुझे कोई बड़ा अच्छा नेता बनना है और देश का भला करना है। तो इस तरह की भावनाएं बच्चों में तब आती हैं जब माँ बाप उनको सामाजिक बनाते हैं, समाज में लेकर जाते हैं। जिनके बच्चे भाई एक कमरे में पढ़े जाते हैं या मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो सामाजिक नहीं पान पाते, वो तो नमस्ते भी नहीं करते। हाँ जी, वो घर में जो मेहमान आते हैं उनको नमस्ते भी नहीं करते वो बच्चे। इसलिए उन बच्चों को सामाजिक बनाइए, घर में कोई मेहमान आ रहे हैं उनको मिलवाइए कि ये आपके चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ये दादा जी हैं, नाना जी हैं, और उनको जो उनसे आशीर्वाद ले बच्चा पैर छू करके। थोड़ा सा पानी है, जैसे पानी दे दिया, चाय दे दी, चाय बना दी, इस तरह से ये बच्चों को सिखाइए। हाँ एक बात और भाई, छुट्टियों में है ना बच्चे कपड़े अपने आप धोएंगे, इस्त्री करेंगे, ध्यान रहे इस्त्री करते समय करंट वरंट का ये अपना इस्त्री को देख लेना कि कोई तार वार तो नहीं टूटा हुआ, कहीं तार नंगा हो गया, करंट लग जाए, और अपने कपड़े अपने आप धोएंगे। और घर में बर्तन साफ करना है, सब्जी कैसे बनाई जाती है, मैगी कैसे बनती है, और जो है खाना कैसे बनता है, ये चीज़ें है ना हर बच्चा अपने माँ बाप से सीखे। और जो माताएं हैं मेरी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को है ना आप खाना बनाना, रसोई का सामान वगैरह सिखा दो कि रसोई में काम कैसे होता है, और पोछा लगाना है घर पे, झाड़ू लगाना है, बेडशीट वगैरह झाड़ के फिर बिछानी है, या उनकी रजाई वगैरह है, कंबल है, उनकी कैसे हम फोल्ड करते हैं, कैसे कपड़े सजाते हैं, रखते हैं अलमारी के अंदर, ये चीज़ें सारे काम बच्चों से करवाइए आप। और बच्चों आप भी जब माँ बाप आपसे घर पर काम करवाएं तो उल्टे नहीं बोलोगे आप, और ना ही आप इनकार करोगे कि मैं क्यों करूँ काम, मैं तो नहीं करूँगा, छुट्टी तो सोन खतर हो रही है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, और ये नहीं है छुट्टी के टाइम पर बच्चे जो हैं 10-10 बजे तक सोते रहें, नहीं, सूरज उगलने से पहले, सूरज निकलने से पहले उठना आपका जरूरी है, ना धोकर ना पूजा करें, जहाँ भी अगर जिस भी धर्म के हो आप उस हिसाब से आप अपना पूजा करें ना, और फिर पढ़ाई का काम करें, डेली पढ़ना भी जरूरी है, एक दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप ना पढ़े हो, कम से कम 3 घंटे तो जरूर पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकलना ज़्यादा, किसी घर ज़्यादा आना जाना नहीं, गाली गलौच नहीं करनी, और घटिया गंदे दोस्तों के साथ कभी नहीं उठना बैठना, सिर्फ दोस्त एक या दो ही होते हैं और वो भी अच्छे होते हैं, अच्छे घरों से होते हैं,
गाली देने वाले दोस्त नहीं होते, धोखा देने वाले दोस्त नहीं होते, और एक फौज नहीं बनानी दोस्तों की कि पूरी आर्मी बना दी दोस्तों की, वो तो फिर आप बहुत नुकसान में रहोगे। और अपने टारगेट को कभी नहीं भूलना है। तो मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ समय बिताएँ, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के साथ समय बिताएँ, अपना काम समय पर करें, और समय लगे तो दो चार दिन घूमने भी जाएं, पर संस्कारी बने, अच्छे बने, हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। यही मेरी बच्चों से और माँ बाप से रिक्वेस्ट है। इन छुट्टियों का इस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इनका ज़रूर पालन कीजिए, और मेरे मुझे सुनने के लिए और मेरी बातें मानने के लिए, अगर आप मानोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।